हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मेरी वीडियो है वो बॉटल डीआईवाई है। जो मेरे पास ये जो बॉटल है उनका मैं डीआईवाई दिखा रही हूँ आपको। और दो बॉटल जो इसमें से दो बॉटल हैं ग्रीन वाली, उनको मैं एज अ शो पीस की तरह मैं इसको यूज़ करूँगी, इसको बनाऊँगी। और जो दूसरी वाली बॉटल, जो तीसरी वाली, थर्ड वाली बॉटल है, जो ट्रांसपेरेंट वाली बॉटल है, उसको लाइटिंग वाली मैं बॉटल उसको बनाऊँगी मैं। वो बहुत प्यारी लगती है, जैसे आप अपने बेडरूम में रखें तो ये बहुत प्यारी लगेगी। तो इन्हीं का मैं आज डीआईवाई दिखा रही हूँ आपको, और ये बन के बहुत प्यारी लगती हैं। और सामान बहुत कम सामान में ही मैं इनका डीआईवाई दिखाऊँगी आपको। एंड फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि आपको कि फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस डीआईवाई के लिए मैंने जो मेरी डॉटर की पुरानी हेयर बैंड है, मैंने उनके बैंड लिए हैं ये, जो अब वो यूज़ नहीं करती, तो इनके फ्लावर जो है वो मैं यूज़ करूँगी। और मैंने एक्रेलिक कलर लिए, और मैंने जो वुलन है, जो ऊन है, जो मैंने जैसे हम स्वेटर बनाते हैं वाली ऊन ली है मैंने, और जूट की रस्सी भी ली है मैंने। और इनका जो कलर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूँगी नाम उनका। हाँ, मैंने बॉटल को जो हमें पेंट करना है उसके लिए मैंने लिया स्पॉन्ज एप्लीकेटर, और मैंने लिया है येलो कलर, और इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। और अब मैंने जो येलो कलर लिया है वो मैंने अपने लिविंग रूम के अकॉर्डिंग लिया है, उसको पॉपअप करने के लिए। तो मैंने इसमें येलो कलर यूज़ किया है। आप कुछ और भी अपनी बॉटल में यूज़ कर सकते हैं अपनी लिविंग एरिया के अकॉर्डिंग, या आपको जिस जहाँ प्लेस करना है, आपको जिस रूम में, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं उसे उस कलर में। तो इस तरह से इसे स्पॉन्ज एप्लीकेटर को हमने उसमें डिप करके, उसे इस तरह से डैप डैप करके हमें इसको पूरी बॉटल में अप्लाई करना है इस तरह से। इस तरह से डैप करते हुए कलर में इसको डिप करके डैप करते हुए दोनों बॉटल में हमें इसी तरह से करना है। अब इसे हमें ड्राई करने के लिए छोड़ना है, तो जब तक ये ड्राई हो रही है तो हम तीसरी वाली बॉटल को कर लेते हैं। तब लाइटिंग वाली बॉटल बनाने के लिए मैंने लिए हैं कैमल के ग्लास कलर, और इसमें एक ग्लास लाइनर भी आता है इसके अंदर। और अब जिस तरह का डिज़ाइन मुझे चाहिए लाइटिंग के लिए उसमें, तो मैं बॉटल में ड्राइंग करूँगी, इसमें मुझे ड्राइंग करनी है। और इसके लिए मैंने जो लाइनर है, ग्लास लाइनर, वो मैंने नहीं लिया है। इसमें मैंने लिया है मार्कर, परमानेंट बोल्ड मार्कर, ब्लैक वाला। तो इसमें मैं ट्रीज में ड्रॉ कर रही हूँ, और जिससे कि जिसमें अंदर मैं लाइटिंग इसमें डालूँगी तो वो हाईलाइट होकर आएगा, बहुत अच्छा सा, अच्छे से हाईलाइट होकर आएगा। तो इस तरह से मैं एक ट्री ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन आप इसमें ले सकते हैं, इसमें कोई भी बना सकते हैं, इसमें आप जो आपको अच्छा लगे वो डिज़ाइन आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और इस टाइप से एक फैमिली ट्री मैं इसमें ड्रॉ कर रही हूँ, और इसमें अलग से जैसे थोड़े से इसमें जो लीफ दिखा रही हूँ, मैं इसमें लीफ दिखा रही हूँ। इसमें आप थोड़ी बॉटल जो होगी थोड़ी चौड़ी लेंगे तो वो अच्छी उसमें अच्छा लगेगा, थोड़ा ब्रॉड वाली बॉटल लें इसमें। और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है, ये जो मैंने ड्रॉ करना था। और अब इसमें हमें डालना है ग्लास कलर। वैसे तो मैं इसे पर्पल डालना चाहती थी, पर्पल के साथ इसमें बहुत प्यारा कंट्रास्ट होता है ब्लैक के साथ, पर्पल वाला जो इसमें लाइटिंग होने के बाद इसमें जो इफेक्ट आता। बट जो मेरे पैकेट, जो मेरा कैमल ग्लास कलर का पैकेट था, उसमें पर्पल कलर नहीं था, तो मैं अब इसमें ये वाला कलर डाल रही हूँ। इसमें हॉरिजन ब्लू है, ये जो ग्लास कलर आए हैं उसमें जो ये नाम है इसका हॉरिजन ब्लू है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें अब। और इसको डालने के बाद हमें, जैसे ग्लास कलर हम डालते हैं तो उसको फटाफट से हमें घुमाना होता है, इसमें पूरी ग्लास बॉटल को हमें धीरे धीरे से ऐसे घुमाएंगे और कलर पूरा वो इक्वल होता जाएगा, सब तरफ लगता जाएगा। बस हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें डालते ही हमें बॉटल को हमें घुमाना है।
और अब हमारी ये बॉटल हो गई है कम्प्लीटली ड्राई, और इसके बाद अब हमें करना है इसका डेकोरेशन। और उसके लिए इसमें जो हमें लगाना है, इसमें बीच में हमें जहाँ जहाँ हमें वूल लगानी है वहाँ पे हमें जो वूल का आपको डिज़ाइन जहाँ पे रखना है वहाँ पे हमें लगाना है फेविकॉल, और फेविकॉल लगाने के बाद हमें फिर स्टार्ट कर देना है। और यहाँ मैंने दो तरह की वूल ली है, एक तो जूट है और एक वूल है जिससे हम स्वेटर हम बनाते हैं, वो वाली वूल ली है मैंने। और दूसरा आप जूट भी लगा सकते हैं जो मैंने दिखाई है आपको पतली वाली। और इस तरह से जहाँ हमें बीच में पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो बीच में मैंने फेविकॉल लगा के उसको एक स्पॉन्ज की हेल्प से उसको मैं स्प्रेड आउट कर रही हूँ। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यार्न को लपेटना, और बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं आना चाहिए। आप जब उसको वूल को आप यार्न को आप लपेटते जाएंगे, मेक श्योर कि वो बिल्कुल गैप ना आए उसमें, तो बिल्कुल उसमें टच होते हुए बिल्कुल पास पास से बिल्कुल उस तरह से लगाते हुए जाएंगे इस तरह से उसको। और जब लास्ट में आपके नीचे तक अभी जब तक जब नीचे पहुंच जाएंगे थोड़ा सा अगर आपका ग्लू सूखने लगे तो थोड़ा सा और उसमें ग्लू लगा लीजिएगा, थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिएगा। और वैसे जो मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ था ये इस तरह से मुझे यार्न लगानी थी, तो इस तरह से हो गई ये कंप्लीट। और उसके बाद मैंने डॉटर के हेयरबैंड से ये फ्लावर निकाल दिए, तो अब हमें ये स्टिक करने हैं। बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, मैंने इसमें हॉट गन ग्लू से मैंने इसको स्टिक किया है, बट आप फेविक्विक से भी कर सकते हैं, फेविक्विक से भी अच्छे से इसे स्टिक हो जाता है, स्टिक हो जाएगा ये। और ये दोनों कंप्लीट हो गए और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अभी जितना कैमरे पे फोकस नहीं हो रहा है, बट इसका जो ओरिजिनल जिसको हम इसे डायरेक्टली जैसे देख सकते हैं, तो उससे बहुत ही प्यारी लग रही थी ये बॉटल। और ये मैं अपने लिविंग एरिया में रखने वाली हूँ इसको। थर्ड वाली बॉटल है वो भी हमारी ड्राई हो गई है, और इसको भी अब इसमें डाल लेते हैं। स्ट्रिंग लाइट डाल रही हूँ मैं इसमें। और आपके पास अगर फेरी लाइट्स हो तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। तरह से ये कंप्लीट हो गई है, वाओ लुकिंग अमेजिंग। ये इतनी प्यारी लग रही थी फ्रेंड्स, बहुत प्यारी बन गई। और इसे मैं अपने बेडरूम में लगाने वाली हूँ, ये बहुत प्यारी लगेगी वहाँ पे बेडरूम में। और आप भी इस तरह से बॉटल अगर आपकी कोई हो तो इस तरह से बना के आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप लगाएंगे ना इस तरह की बॉटल तो बहुत ही प्यारा लुक देगा ये। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का DIY, बॉटल का DIY था जो मैंने दिखाया आज आपको। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, आपकी जो अनयूज्ड बॉटल हो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। और आपकी जो ट्रांसपेरेंट वाली जो बॉटल आपके पास अगर ब्रॉड वाली हो तो उसमें इस तरह से कुछ भी ड्रॉ करके आप लाइटिंग लगा के इस तरह से आप बना सकते हैं। और इन बॉटल्स को फ्रेंड्स जहाँ जहाँ मैं प्लेस करने वाली हूँ वो मेरी आने वाली होम टूर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, मैं जल्दी शेयर करूँगी। और एक अच्छी सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी। If you like my videos, please share with your friends and family members and make sure to subscribe. Stay healthy, be positive. Thanks for watching. Bye-bye. Take care.